जब आप मुझे फर्स्ट टाइम देखने आए थे तब आपके सामने मेरी तो कसम से बोलती ही नहीं निकल रही थी। मालूम है, इसी बात का तो पछतावा है। अगर उस वक्त तेरी बोलती निकल गई होती तो कम से कम आज मेरी बोलती बंद ना होती। यार सबा, तू बहुत पढ़ी लिखी है ना, मेरे एक सवाल का जवाब दे। हाँ पूछ। ये बता, दिल्ली दूर है या चांद दूर है? दिल्ली दूर है। वो कैसे? अबे दिल्ली यहाँ से दिख रही है क्या? चांद देख ये रखा। लॉजिकली सोचे करे। अबे पागल। सुनो जी, जिस पंडित ने हमारी शादी करवाई थी ना, उसका देहांत हो गया। देखा, मैंने पहले ही गई थी, जिसने मेरा नाश करवाया ना उसका भी नाश होगा। बेबी तुम्हारा 12th का रिजल्ट का क्या हुआ? यार सर ने बोला है कि तुम्हें एक साल और लग जाएगा इस क्लास में। भले से 2 या 3 साल लग जाए, पर फेल मत होना। अरे पागल, फेल हो गया इस क्लास में मैं। फेल हो गए? और अरहर की दाल? अरहर की दाल तो है, एक काम करो मूंग की दाल ले आओ, उसमें घुन से हो गए। और झाड़ू पोछे, बाद में कोई बहाना ना बनाना। नहीं, सब कुछ है। हेलो। ओहो, क्या हुआ दादा, याद आ रही है जो रात के बजाय दिन में कॉल कर रही हो? नहीं, मैंने तुम्हारी बीवी को वहाँ जाते हुए देख लिया था। अच्छा, वैसे कहाँ गई है तुम्हारी बीवी? कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ सामान लेने गई है। चलो अच्छा रखता हूँ, अभी घर भी नहीं साफ हुआ है और खाना भी नहीं बना है, रात में बात करते हैं। मैं वेट करूँगी। ओके। चूहे मारने वाली दवा, खांसी का फंदा और तेल में डूबा हुआ डंडा चाहिए, और हाँ एक तेज धार वाली कैंची भी। अरे बहन जी, आपको ये सब क्यों चाहिए? वो ना मेरे हस्बैंड के पर बहुत बड़े हो रहे हैं, उनको काटने के लिए चाहिए। फोन काटने से पहले एम्बुलेंस को फोन कर देना, तुम्हें जरूरत पड़ेगी आज। क्या खा रही है? चने खा रहा हूँ। अकेले अकेले? और क्या, 5 रुपए चने में भंडारा कराऊं? ना भंडारा ना, वो थोड़े से जरा मुझे दे देता। अबे चला